डरो मत मित्रों, हमसे अधिक तो वो भय भी दिख रही है। अपने भय का कारण बताएं राक्षसी। डरिए मत, मुझे सरदार बूम्बा बूम्बा ने आप लोगों के पास सहायता के लिए भेजा है। सरदार बूम्बा बूम्बा ने? वो तो स्वयं बलशाली हैं, तो उन्हें हमारी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई? निसंदेह, किंतु पंच यक्षों के क्षेत्रों में कुछ उत्पाती राक्षस घुसपैठ करके भाग गए। क्रोध से वशीभूत पंच यक्ष अब अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं, जिसके एक ही वार से धरती पर सर्वस्व राक्षस प्रजाति का अंत हो जाएगा। हम सरदार बूम्बा बूम्बा की सहायता अवश्य करेंगे, किंतु यदि हमसे पहले पंच यक्ष वहाँ पहुँच गए तो अनर्थ हो जाएगा। यक्ष भेष बदल बदल कर आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हमारे मायावी राक्षस भी पग पग पर उनका सामना करने को सचेत हैं। यदि आप शीघ्र प्रस्थान करें तो यक्ष से पहले पहुँच सकते हैं। देखा, वो हमारी सहायता मांगने यहाँ तक आई। इन पांडवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाइयों, पहाड़ी पर पांच हिरण एक ही दिशा में चढ़ते हुए जा रहे हैं। संभव है कि यक्षों ने हिरण का रूप धारण किया हो। भाइयों, हम रस्सी का फंदा बनाकर उन मृगों को पकड़ेंगे। जल्दी घोड़ों पर बैठिए। भाइयों, इस प्रकार कोमल निर्दोष मृगों को रस्सी का फंदा बनाकर पकड़ना नीति के विरुद्ध है। वो यक्ष न होकर सच में मृग हुए तो हमें पाप चढ़ेगा। भ्राता, यदि वो यक्ष ही निकले तो? हम किंतु परंतु में समय व्यर्थ नहीं कर सकते। वो मृग निकले तो हम चारों पाप के भोगी बनने को तत्पर हैं। भ्राता युधिष्ठिर, आप राक्षसी के बताए संकेत को समझिए। पंच यक्ष और पंच मृग। यक्ष का गंतव्य पहाड़ी के ऊपर है और इन पांच मृगों का गंतव्य वही एक साथ होना संयोग तो नहीं हो सकता। यदि यक्ष ने मुझे देखकर मुझ पर तीर से वार कर दिया तो सब समाप्त हो जाएगा, इसीलिए मैं सबसे पीछे रहूंगी। साथियों, वो बालक तीव्र गति से हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? संभवतः उन्हें हम पर संदेह हो गया है। सब सामान्य मृग की भांति रहो। नहीं अर्जुन, मुझसे यह अनर्थ नहीं होगा। मैं धर्म के विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा। भ्राता, अब इसे धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाइए। तुम हमें फंदे में क्यों फंसाना चाहते थे? यक्ष महाराज, पहाड़ी के पार के गांव के राक्षस अच्छे और सच्चे स्वभाव के हैं। उनमें से किसी ने आपके क्षेत्र में आकर हुड़दंग नहीं मचाया। अच्छा, तो तुम बालक उन उद्दंडी राक्षसों की पैरवी करने आए हो, किंतु तुम्हारा प्रयास व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक राक्षस को जांचें परखें। हम एक बार में समस्त राक्षस प्रजाति का अंत कर देंगे। वो यत्र तत्र सर्वत्र हमारे क्षेत्र में आकर उत्पात मचाते हैं। तुम दयालु बालक हो, इसलिए हम सलाह देते हैं कि हमारे मार्ग से हट जाओ, लौट जाओ, वरना 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 क्या कर लेंगे? भ्राता युधिष्ठिर, यदि आपने हमारी बात मान ली होती तो पंच यक्ष को हमने उसी क्षण पकड़ लिया होता।
जो हुआ सो हुआ, हमें किसी प्रकार यक्ष से पहले कबीले तक पहुंचना है। मिल गया साधन, वो पहाड़ी बकरियाँ। नहीं नहीं नहीं, तुम पुनः अधर्म पूर्ण बात कर रहे हो। बकरियाँ हमें दूध देती हैं, हमें हष्ट पुष्ट बनाती हैं, और तुम उनकी सवारी करके उन्हें पीड़ा देने का विचार बना रहे हो। कदापि नहीं। क्षमा भ्राता, किंतु धर्म अधर्म से ऊपर उठकर ये समय बूम्बा बूम्बा की सहायता करने का है। नकुल, बकरी मित्र, क्या आप हमारी सहायता कर सकती है? मित्र, तुमने हमें मित्र कह के संबोधित किया, वो भी हमारी भाषा में। बोलो, क्या सहायता चाहिए? पहाड़ी के ऊपर गांव के लोगों का जीवन संकट में है, हमें अति शीघ्र वहाँ पहुँचना है, किंतु समय कम है और दूरी अधिक। मैं चिंता ना करो मित्र, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। मैं ये सवारी तो बड़ी निराली है। राक्षसों का नाश करने के लिए अब हम पूर्णतः तैयार हैं। जरा नीचे देखो, वो बालक तीव्र गति से पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। वो बालक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, हमें उनसे पहले कबीले तक पहुंचना होगा। चलो। आइए पांडव, आपका स्वागत है। पांच चील तीव्र गति से पहाड़ी की ओर उड़ते आ रहे हैं। अर्जुन रुक जाओ, इस अनर्थ के भागीदार मत बनो। यदि वो यक्ष ना हुए तो? आप लोगों ने हमारी सहायता करने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु अब ये यक्ष हमें समाप्त करके ही रहेंगे। बालकों, ये तुमने क्या कर दिया? हमने अथाह तपस्या से ब्रह्मास्त्र अर्जित किया था और तुमने उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया। आपके ब्रह्मास्त्र को शक्तिहीन करना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारी मजबूरी थी। आपका क्रोध अनुचित है। अनुचित है? इन राक्षसों ने हमारे क्षेत्र में आकर जो लूटपाट और उत्पात मचाया, वो उचित था? वो तो निश्चित रूप से अनुचित था यक्ष महाराज, किंतु आप एक क्षण तो सोचकर देखिए कि कुछ उत्पाती संवेदनहीन राक्षसों की करनी का दंड आप संपूर्ण राक्षस प्रजाति को दें, क्या वो उचित है? क्या निर्दोषियों को दंड देना धर्म संगत है? अब मैं क्या कहूँ, तुमने बालक होकर इतनी गंभीर बात को कितनी सरलता से समझ लिया और हम क्रोध में उचित अनुचित कुछ नहीं देख पाए। सरदार बूम्बा बूम्बा, हमें खेद है कि हमने आपके कबीले को संकट में डाला। यक्ष महाराज, आप खेद प्रकट न करें, हम वचन देते हैं कि हम सब मिलकर उत्पाती राक्षसों को खोज निकालेंगे। पांडव बालक, हम सब आपके आभारी हैं। हमारा धन्यवाद भी स्वीकार करें। आज पांडवों ने पंच यक्ष को बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया। आपकी शूरवीरता और मृदुलता के सामने हमारी बदले की भावना ने दम तोड़ दिया।